नमस्कार, मेरा नाम आयुष यादव, आप देख रहे हैं MS TV। हर साल स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट जगाने के लिए श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी उल्लास का कार्यक्रम आयोजन करता है। वर्ष 2023 में उल्लास के मुख्य अतिथि श्री गौरव भिदूरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका MS TV और श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा इस इवेंट में आके। जिस तरीके से यहाँ पे बच्चों ने आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, और सबसे अच्छा यहाँ का जो स्टाफ है, लाइक आई वुड से जो VC सर है, निधि मैम है, और जो वन एंड ओनली हमारे जो पंकज अग्रवाल सर हैं, इतना सपोर्टिव हैं टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, इतना उनको भी खुद को भी नॉलेज है पंकज सर को, और जिस तरह से वो आगे मोटिवेट कर रहे हैं, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर यहाँ से आने वाले टाइम में वर्ल्ड चैंपियंस और ओलंपिक चैंपियन भी निकलेंगे। सर, जब भी कोई स्पोर्ट्समैन या कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अपनी करियर बनाना चाहता है तो वो किसी आइडियल को फॉलो करता है, तो आपका अपने स्पोर्ट्स के करियर में आइडियल कौन रहा है? हाँ, डेफिनेटली हम सब लोग किसी को देख के ही फॉलो करते हैं। तो मेरे एक्चुअली पापा थे, वो भी बॉक्सर थे, तो उन्होंने काफ़ी कम 3-4 साल में बहुत नाम किया अपना हमारी स्टेट का। वो देश के लिए नहीं खेल पाए थे, बट उनका सपना था कि देश में एक बड़े स्तर पर मेडल लेके आना है। तो मैं उनकी उस मेहनत को देखता हूँ, उन्होंने जो 3-4 साल में किया, उससे मेरे को काफ़ी एक इनक्रेजमेंट आता है। प्लस हमारे जो पहले हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट और वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडलिस्ट विजेंद्र भाई हैं, और ऑफकोर्स मैरी कॉम दीदी, जिन्होंने उनका तो कोई अगर मैं जो भी बोलूँ सब कम ही है, तो उनको मैं उनके हर एक स्टेप को, क्योंकि मेरे लाइफ में क्या है, हर एक बंदे से मैं कुछ कुछ सीखता हूँ। तो विजेंद्र भाई से मैंने कुछ सीखा, मेरी दीदी से मैंने उनका डेडिकेशन टूवर्ड स्पोर्ट्स, उनका हार्ड वर्क, इतने कुछ हार्ड टाइम्स के बाद भी उन्होंने क्या क्या अकम्पलिश किया। लाइक वो इकलौती मेंस वुमेन में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इकलौती बॉक्सर है जिसके इतने सारे वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल हैं। सर, आज के यूथ जो फील्ड में स्पोर्ट्स के फील्ड में एंटर हो रहे हैं, आपके हिसाब से क्या वो पुराने प्लेयर्स से अच्छे हैं खेल रहे, या फिर उनको और ट्रेनिंग की ज़रूरत है? नहीं, अब की जो जनरेशन आ रही है वो काफ़ी अच्छा कर रही है, एंड वो अच्छा इसलिए कर रही है क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सपोर्ट कर रही है। हमारे लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है अभी, और हमारी काफ़ी मूवमेंट स्टार्ट करी है, फिट इंडिया मूवमेंट होगी, खेलो इंडिया हो गया, इसमें ग्रास रूट से स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग। अब TV पे आते हैं अभी खेलो इंडिया में, हम लोग कब TV पाना होता ही नहीं था, कभी जब बड़े इवेंट्स खेले तब आते थे, ये लोग अभी से आ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो हैं हमको तो बीट करने वाले हैं, एंड आगे ओलंपिक्स की टॉप 10 टीम में हम इंडिया भी आने वाली है। सर, कोई क्रिएट एडवाइस आज आप यूथ को देना चाहेंगे ताकि उनका स्पोर्ट्स के फील्ड में और इंटरेस्ट बढ़े और वो हमारे भारत देश के लिए और गोल्ड मेडल लेके आए? जैसे पहले बोलते थे ना, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, अब वो टाइम नहीं रहा है। ओके, अब स्पोर्ट्स एज अ करियर भी चूज़ किया जा रहा है। अब बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, अब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आप लोग मेरे को सुन रहे हैं, एंड गवर्नमेंट जॉब है हमारे पास, नाम है, फेम है, ये स्पोर्ट्स में मिलेगा। सबसे बड़ी बात, हमें देश को रिप्रेजेंट करते हैं, जब उसका झंडा हमारे छाती पर होता है और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम इंडिया जीतती है, तो वो मोमेंट हम स्पोर्ट्स पर्सन ही फेस कर पाते हैं, आप लोग किसी और फील्ड में नहीं कर पाएंगे। तो इसको एज अ करियर भी अब आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऑन एवरीथिंग इज आवर फेवर नाउ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन श्री प्रताप के साथ आयुष यादव, IMS TV।